तो गुड मॉर्निंग सभी लोग को, दोबारा से स्वागत है आपका इस व्लॉग में। अभी हम लोग आ गए हैं बुआ के यहाँ, सचिन भाई के घर से। क्या सचिन, अभी तक दातुन कर रहा है? मैं दातुन करके भी हो गया, इतना लेट हुआ दातुन करता है। बंटी का साबुन स्लो है नहीं, दातुन देर तक ही करना चाहिए वैसे तो, बट मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि मेरे को लगा मसूड़े घिस जाएंगे। नहीं लो, साफ हुआ बरबर। तो अभी हम लोग जाएंगे नदी पर, फिर नदी से आएंगे तब नाश्ता करेंगे। भैया तो कब का उठ चुके, हम लोग को तो किसी ने उठाया भी नहीं, तो हम लोग सोए थे 8:30 बजे तक। तो अभी हम लोग करेंगे चाय और नाश्ता, फिर आगे मिलते हैं। तो हम लोग चाय पी रहे हैं। सचिन दीदी, दीदी ने मस्त बढ़िया वाला चाय बनाया। और ये तो क्या बोलते हैं, चना मसाला खा रहे हैं, सिंगदाना मसाला खा रहे हैं। दीदी आप नहीं पियोगे चाय? नहीं पियेंगे। तो दीदी अभी कुछ नहीं बोल रही, चाय पी के आगे मिलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर से अभी। जाओ तो हमने अभी चाय नाश्ता कर लिया है, अभी जा रहे हैं बड़ी बुआ के घर। बाय दीदी, बाय। चलो आगे मिलते हैं फिर, बार बार आगे ही पीछे। वो पूछिए ना, बाय बाय कर रही है। कहाँ गए, उसको कोई काटा है? देखो खाना है क्यों, कुछ देर बाद खाना कैसे खाए। ये मेरे फूफा और ये दो पड़वा पड़वी, देख कैसे सोई है शांति से बिचारी। और शेमड़ी ये सबसे छोटा सा नन्नू मुन्नू सा छोटा सा वाह वाह कर रहा है। और वो रही उनकी मैया, और ये मेरी नानी दादी, क्या बोलते आपको, बुआ बोलते और भाभी ने भी चावल बना के लाया है, चावल खाएंगे। और ये बहनी सबसे डर रही है, काहे बहनी काहे डर रहे हो तुम भाभी श्री। तो अब हम चाय पीते हैं और फिर आगे मिलते हैं। हमारे लिए बना कर रखा है या कहो बचा कर रखा है। मामी क्या बोलते उसको, भजिया बोलते हो? भजिया नहीं, फुलौरी, फुलौरी भी नहीं, गिलेरी। सही ना, सही ना, इसके ऊपर टैप करो ना। तो ये खाते हैं, चलते हैं लहनपुर। लहनपुर जाते हैं, वहीं रहे हैं। लोग निकल गए हैं लहनपुर के लिए। पड़ता है इसके लिए हम लोग ये यहाँ खाना खाए, और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे लहनपुर। तो हम लोग लहनपुर आ गए हैं दोबारा से, और पापा अशोक भैया और बुआ को लेके शायद सिजौली गए हैं। और भैया भी पता नहीं कहाँ तो गए, और मैं अकेला बैठा हूँ घर में, ना कंटा ला रहा है, क्या बताऊँ, कुछ करने के लिए नहीं है, मुझे कोई लेके भी नहीं गया, अना मेरे जाने का कुछ बात हुआ, सैड। देखते कब जाने मिलेगा सभी भैया के यहाँ। अकेले बैठे बैठे बहुत कंटाल आ रहा है, गेम खेलता हूँ थोड़ी देर, और कुछ करना भी नहीं पूरे दिन बैठ के। एनीवेज आगे मिलते हैं। मैं आ गया हूँ उस जगह पर जहाँ हम लोग ने पूरी है, जहाँ अपना ज़मीन है। यहाँ छोटा सा खेत है, काइंड ऑफ
मैं सोचा जस्ट मतलब मैं था जब थानियापुर में, तो वहाँ मेरे को जैसा थॉट आया था कि एक मिनट, वहाँ मेरे को ऐसा थॉट आया था कि लाइक कौन सा हम लोग, मैं भैया सचिन हम लोग ऐसे जा रहे थे खेत के बाजू से, तो वहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि ये वाला खेत कौन सा पौधा है, मतलब कौन सा प्लांट है या कौन सा चीज़ बोया हुआ है। तो उसमें वो करेला का याद आया, तो करेला मैं वही सोचा कि आप लोग को दिखाऊं किस तरह यहाँ मतलब किस तरह होता है। तो मुझे सबसे एंटिक जो वेजिटेबल्स को उगाने का तरीका लगता है वो करेले का लगता है। थोड़ा मैं दूर से दिखाता हूँ, ये इस तरह होता है झाली में टाइप लाइक उसे, ये एक ये बांस है, एक वहाँ एक बांस है, टोटल चार बाम्बू है, चार से पांच बाम्बू है जिन्हें ऐसा कर ऊपर, गलती से वीडियो कट हो गया था, और ऊपर भी पूरा जाली टाइप बना के रखा है। और यहाँ इस तरह ये करेला होता है, लाइक कैसे बताऊँ, यहाँ से जो करेला जब फरता है, फरना मतलब जो उगता है, तो यहाँ से सब लटक, एक और मेरा हाथ इसमें दिख नहीं रहा, हाँ इसमें से हाथ अब यहाँ लटकता है, अंदर से अगर दिखाओ तो इस तरह कुछ। तो यहाँ करेले जो जब हो जाते हैं तो यहाँ लटकते हैं, कोई इधर तक रहेगा कोई इतना नीचे रहेगा, ऐसा लटकता है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा एंटिक प्लांट लगता है, प्लांट कहो या वेजिस का प्लांट, मतलब पता नहीं क्या बोलते, बट वो सबसे सही तरीका लगता है। और यहाँ लहसुन, लहसुन बोया है शायद, लहसुन बोया है या याद नहीं, बट जहाँ तक मुझे याद है घर पे तो लहसुन बताया था, लहसुन बोया है। यहाँ भी कोई तो चीज़ बोई हुई है, और यहाँ मटर, मटर है या इसका कुछ तो नाम था, सचिन ने बताया था, इसको भूल गया, याद आएगा अगर मेरे को मिलेगा तो मैं बताता हूँ। बट ये मुझे दिखाना था, ये बहुत सही तरीका लगता है मेरे को ये करेला उगाने का, बस ये पूरा झाली झाली हो जाएगा, ऊपर तो उसके पत्ते देखो इस तरह, फिर मस्त नीचे अंदर लटका हुआ रहता है, एकदम मस्त दिख रहा था अंदर, सावली थी अंदर मस्त। वैसे जो आवाज़ आ रहा है ये भी देख लो आप लोग इस तरह, इसे लाइक जो आप लोग को दिखाया था कल के वाले व्लॉग में, हम लोग वो मेरे मामा ऐसा कर रहे थे, वो वाला जो प्रोसेस था, उसके बाद जो मैंने बताया था कि काटते हैं जिसको, जो गोरू यानी कि गाय भैंस लोगों को खिलाया जाता है, वो इस तरह होता है। बहुत लोग हाथ वाली मशीन से काटते हैं, बट कोई कोई इससे काटता था, और कोई कोई तो एकदम बड़ी मशीन आती है जो मुझे मिलेगा दिखाऊंगा, यहाँ बहुत लोग का चल भी रहा है, तो इस तरह ये मशीन चलती है, वहाँ डाला जाता है और एक साइड से फेंकता है, आप लोग देख सकते हो। ये वाला जो ग्रे कलर का देखो, ये लोग लेके आ रहे हैं, यही डाला, यहाँ से मशीन कट कर यहाँ सब गिरता है। तो बहुत सही चीज़ है गांव में देखने लायक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आगे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, अब घर पे चलता हूँ, भूख तो नहीं लगी है, मम्मी ने खाना खिला दिया, मैं रोज़ मतलब साथ में खा लिया सब, बट गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी नहीं हो रही एक्चुअली ठंडी है, बट पसीना बहुत हो रहा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या दिखा सकता हूँ आप लोग को। अमेश भाई अपना भाई चश्मा पहनता है, चलो आगे मिलते हैं। दीदी मार रही है झाड़ू और दोनों उधर बैठे हुए हैं, मेरी दादी करंजी खा रही है मीठा वाला, और मैं ऐसे बैठा हूँ, ये वही वाला स्वेटर है जो कि मैं धोया था और कंफर्ट में धोया था, बहुत अभी जाके उसको उसमें रखा था बड़े वाले बक्से में, उसको अभी जाके निकाला है, तो ये अद्भुत खुशबू आ रहा है, और मैं पहना हुआ हूँ और ऐसे ही बैठा हुआ हूँ। पापा है सिकंदरपुर में और वो आएंगे कल, सो आज क्या बनेगा देखते हैं, आज क्या बनेगा जो बनेगा मैं दिखाता हूँ। बातें तो चल रही थी, भैया मच्छी बनाएंगे और दीदी पूरा तैयारी करेगी सब चीज़ का, अब यहाँ सब झाड़ू मारना बचा हुआ है पूरा। हाँ लो लेता जाओ, देखो ये देखने के लिए बस प्राणियों को खिलाते हैं और बोलते हैं मेरा वीडियो निकालो ताकि स्टेटस पे डालूं। आगे मिलते हैं, इधर इधर तेरा वीडियो बनाऊं, इधर आ बहनी, ए बहनी यहाँ, ए यहाँ, हे यहाँ, यहाँ अरे ये देख तो वीडियो बनाओ, तो ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, मैं नहीं लाया तेरे लिए कुछ,
वीडियो निकालोगे? तो भाभी और दीदी ने खाना निकाला है और आज है मच्छी चावल रोटी। सब लोग खाने के लिए बैठे हैं, आगे हैं सुखा कर आगे मिलते हैं। कहना चाहोगे क्या? दो रोटी है और गुड नाइट। ये मस्त इतली थी, ऊपर जाके बैठिए। ओके यहाँ दिखेगा नहीं शायद, ये रही। तो अभी खाना खाना बचा है, तो व्लॉग यहाँ एंड करते हैं। और हर बार की तरह हालांकि ये एंड का क्लिप रहेगा, आगे क्लिप तो ज्वाइन करूँगा ही करूँगा। तो मुझे लगा मैं कोई अनजान वैसे लाइट के कारण मेरे को पता नहीं चल रहा था। तो होप सो आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा। यार मैं एक दो दिन से भूल रहा हूँ मैं क्या बोलता हूँ। होप सो आपको मुझे पसंद आया रहेगा। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।